लोगों को लगता है ना इजी है, उनको एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मुझे भी पहले लगता था कि बहुत इजी है, क्या मतलब सिर्फ शाम को 3-4 घंटे खड़े होके मोमोज का स्टॉल लगाना है और कितना अच्छा इनकम है। सबको भीड़ दिखता है, क्राउड दिखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। वो कहते हैं ना, किसी ने कितनी अच्छी लाइन बोली, हर कोई पूछता है कितना कमाया कितना कमाया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कितनी मेहनत से कमाया। तो बस वही वाली बात है, सुबह से लेके शाम हो जाती है मतलब इसकी प्रिपरेशन में। जो मोमोज लगाता है ना उसको पता होगा कि कितना स्ट्रगल है इसमें। जिसको नहीं पता उसको तो लग रहा है कि बस खड़े होके बेचना है और सिर्फ पैसा आ रहा है। तो मेहनत इतनी बड़ी है जो मैं बता भी नहीं सकती। तो गाइस आज हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट आंटी के दुकान पे। तो हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले अपना नाम बता दो। नाम है मेरा लक्ष्मी पंत। अच्छा, ये आंटी मोमोज के पीछे का क्या राज है? सर आंटी मोमोज इसलिए, मेरे जो हस्बैंड है मतलब मैरिड हूँ मैं, तो मेरे हाँ जी, तो जो मेरे हस्बैंड है ना वो उनको मानते हैं। गुरुजी है ना छतरपुर में, तो वहाँ पे ना सबको आंटी अंकल यही बोलते, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो। हाँ जी मैम। तो वहाँ पे चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो, सबको आंटी अंकल ही कहते हैं। तो ये भी एक रीजन था आंटी मोमोज रखने का। मेरे को बुरा नहीं लगता कोई आंटी बोले, बस हाँ मुझे भाभी वर्ड थोड़ा पसंद नहीं है, तो उससे मुझे बुरा लगता है। मुझे भाभी अच्छा नहीं लगता, मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे कि ना एक होता है ना कि लोग मजाक के पर्पज से ही बोल रहे, तो वो नहीं, एक रिस्पेक्ट वाला हो तो समझ आता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आंटी ही ठीक है, और मेरा माइंड सेट था कि मुझे यही काम करना है। तो फिर और वैसे भी नाम से क्या होता है, काम ऐसा करो ना कि नाम हो जाए। मैं इसके लिए अपने हस्बैंड का ही बोलना चाहूँगी इसमें, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया कि अपना जॉब छोड़ दिया मेरे लिए। तो अभी मतलब उनका अपना काम था कैमरों का, जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना ये सब वो करते हैं। तो अब उन्होंने मेरी वजह से अपना जॉब छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। मुझे अच्छा लगता है बेसिकली सर्व करना बनाना, तो मैंने उनको भी इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि मंडी जाना जो सब्जी वगैरह होती है वो वही ला सकते हैं, मैं नहीं जाती इसलिए। तो अब मेरी वजह से उन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया, ये सब हम घर पर बनाते हैं खुद ये सारा। अच्छा, और टाइमिंग एक बार बता दीजिएगा। टाइमिंग का वही है, देखो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है जैसा जॉब में होता है कि इतने से इतना, लेकिन ये है कि जब रेडी हो जाता है उसके बाद हम दुकान लगा लेते हैं। लोकेशन एक बार बता दीजिए। ये मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा है, नियर अग्रवाल कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ कोटक बैंक का ATM। तो गाइस मोमोज तो वाकई बहुत ही कमाल का है, टेस्टी है, पनीर कुरकुरे मोमोज हमने ट्राई किया यहाँ पे। तो आप लोग जब भी आओ या इधर दिल्ली में हो, दिल्ली से देख रहे हो, तो जीतीव नगर आके मैम के स्टॉल का एक बार जरूर मोमोज ट्राई करना। आंटी मोमोज के नाम से है मुखर्जी नगर में, 100% रिकमेंडेड है। अब सूरज खाके बताएगा कि भाई इसको कैसा लग रहा है। आगे सूरज, कुरकुरे मोमो है तो मस्ट बी क्रिस्पी, कुरकुरे मीन्स क्रिस्पी एंड क्वाइट टेस्टी। आप देख सकते हैं कि अंदर ये पनीर उनीर भी एकदम अच्छा से भरा है। आप इसका देख सकते हैं कि इस पे वो जैसे KFC में खाते हो उस तरह से इस पे क्रिस्प पूरा किया हुआ है एकदम। इससे आपको क्या होगा कि एकदम गरम गरम एकदम सॉफ्ट का एहसास होगा। एंड दिस मस्ट रेड चटनी, सूरज ने रिव्यू दे दिया, मतलब कि परफेक्ट मोमोज है ये, अच्छा रिव्यू देता है वैसे। तो आप लोग जब भी आओ दिल्ली तो यहाँ का मोमोज, आंटी मोमोज के यहाँ पे आके, आंटी मोमोज के स्टॉल पे आके इनका मोमोज एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत सारे वैरायटी है इनके पास। फिलहाल हम इसको फिनिश करते हैं आराम से और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करके फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ।